लोकतंत्र के महापर्व लोकसभा 2024 के चतुर्थ चरण का चुनाव आगामी 13 मई को हो रहा है, जिसमें लखीमपुर से खीरी लोकसभा सीट पर मतदान होगा। खीरी लोकसभा सीट पर भाजपा ने अपने पुराने प्रत्याशी अजमेश्वर टेनी पर तीसरी बार भरोसा जताया है। वहीं सपा ने उत्कर्ष वर्मा मधुर व बसपा ने नए प्रत्याशी अंशय कालरा को मैदान में उतारा। खीरी सीट पर इस लोकसभा चुनाव में भाजपा का कमल खिलेगा या सपा की चलेगी साइकिल या फिर बसपा का हाथी निकलेगा सबसे आगे। जनता का रुख जानने के लिए दैनिक भास्कर टीम पहुंची खीरी लोकसभा सीट। जनता का रुख जानने के लिए दैनिक भास्कर टीम पहुंची खीरी लोकसभा सीट की जनता के पास। लखीमपुर खीरी से विक्रम सिंह के साथ पवन सक्सेना की रिपोर्ट, दैनिक भास्कर। देखिए, सुविधाएं तो कोई नहीं मिली। इन्होंने कहा कि 15 दिन में गन्ने का भुगतान दिया जाएगा, वो भी हमें नहीं मिला। सही से किसी भी फसल का रेट नहीं मिला, किसी भी प्रकार की हमें कोई भी सुविधा नहीं मिली सरकार से। अच्छा, जो सरकार बनेगी उससे क्या अपेक्षा है? हम तो ये चाहिए कि हमारे गन्ने का रेट और सब कुछ सही होना चाहिए और सही टाइम से हमें भुगतान होना चाहिए और किसी भी फसल का जो भी सही रेट है वो हमें MSP के हिसाब से मिलना चाहिए, हमारे क्षेत्र का विकास होना चाहिए। अच्छा, आपको क्या लगता है चुनाव में कैसा क्या परिवर्तन होना चाहिए सरकार को लेकर? परिवर्तन भैया होना चाहिए। बेरोजगारी, महंगाई और पेपर लीक हो रहे हैं। किसी युवा लड़कों को नौकरी नहीं मिल रही है, कोई रोजगार नहीं मिल रहा है। इस सरकार से तो तंग आ गए हैं और मतलब जो है कोई काम नहीं हो रहा, कोई जनता का फायदा नहीं हो रहा। 4 किलो राशन से कुत्तों की जिंदगी जिलाई जा रही है। 4 किलो राशन से कोई जिंदगी कट जाएगी, इसका जीवन गुजर बसर हो जाएगा। ऐसी सरकार, भ्रष्ट सरकार हमको नहीं चाहिए। ऐसी सरकार कोई भी हो, गरीब जनता को फायदा होना चाहिए। गरीब जनता को फायदा होगा, गरीबों को फायदा होना चाहिए, बेरोजगारों को रोजगार मिलना चाहिए, पढ़े लिखे युवाओं को नौकरी मिलना चाहिए। इससे हमका भैया कोई सुविधा ना है, इससे कोई सुविधा नहीं है। सरकार बदलनी चाहिए, ठीक। और सरकार बदलेगी हर हालत में, बेमानी ना भाई तो सरकार जरूर बदलेगी। अच्छा, जो जैसे कि बीजेपी की सरकार चल रही थी वर्तमान में, उससे कोई फायदा है कुछ? कोई फायदा नहीं, इतनी महंगाई है कुछ पूछो ना। ना मिल का पैसा मिल रहा है, ना कोई पैसा मिल रहा है। तो आप क्या चाहते हैं? हम तो भैया यही चाहते हैं, वोट बीजेपी छोड़ करके दूसरी पार्टी को दे दे, ठीक। लेकिन बीजेपी को वोट नहीं देंगे। जैसा कि चुनाव नजदीक आ रहा है और जिसकी भी सरकार बनेगी उस सरकार से क्या आप अपेक्षा करते हैं? सरकार चाहे किसी की भी बने, मुझे उम्मीद है कि मैं अस्पताल चाहता हूँ कि अस्पताल में जो सुविधाएं हम लोग को प्राप्त नहीं हो पाती हैं, जैसे एक्सरे इत्यादि की, उनकी सुविधा जो है कोई भी सरकार बने वो वहाँ पे प्रोवाइड करे। और जैसे बांकेगंज का विकास को लेकर इस पे आपका क्या कहना? विकास जगह का होना चाहिए, रोडें होनी चाहिए, नल की व्यवस्था होनी चाहिए, शौचालय की व्यवस्था होनी चाहिए। विकास जितना अधिक होगा उतने ज्यादा बढ़िया है, किसी की भी सरकार हो, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। हम यही चाहते हैं कि बांकेगंज का विकास हो, जिससे हमारे ब्लॉक का नाम रोशन हो। लाभ तो यही है कि मान लो किसानों को भी फायदा है और जो है आम जनता को भी अनाज मिलता है, राशन मिलता है बराबर, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं, लाइट भी पर्याप्त मात्रा में प्राप्त हो रही है। अच्छा, आने वाले समय में सरकार बने तो उससे क्या चाहते हैं आप? उससे यही चाहते हैं, मतलब शांति और प्यार का माहौल यही बना रहे हैं बस। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पवन सक्सेना और आप देख रहे हैं दैनिक भास्कर डिजिटल। जैसा कि पूरे भारत देश में लोकतंत्र का महापर्व लोकसभा चुनाव 2024 चल रहा है और चतुर्थ चरण की ओर है, जहां लखीमपुर समेत कई लोकसभा चुनाव होंगे। 13 मई को चुनाव होना है और हमारी टीम लखीमपुर पहुंची हुई है। जानते हैं कि यहां लखीमपुर में क्या जनता चाहती है, क्या परिवर्तन चाहती है, आगामी सरकार को लेकर क्या सोच रही है। इन सब मुद्दों के साथ हम बढ़ते हैं, लोगों से जानते हैं कि क्या जनता का विचार है। हमारे साथ इस समय है विपिन सिंह, जो कि पहली बार इस बार वोट डालेंगे और सरकार बनने में भागीदारी निभाएंगे। जानते हैं विपिन जी से कि किस प्रकार की सरकार चाहते हैं। विपिन जी, क्या आप चाहते हैं जो सरकार बने उससे आप क्या उम्मीदें चाहते हैं? मैं ऐसी सरकार चाहता हूँ कि हम लोग भविष्य के लिए आगे कुछ भी रोजगार प्राप्त करें। अभी तक कोई भी ऐसी सरकार नहीं आई है क्योंकि हम लोग प्राप्त। भाजपा ने अपने पुराने प्रत्याशी अजय मिश्र टेनी को उतारा है, वहीं बसपा से
नए प्रत्याशी यहाँ जो अंशय कालरा जी को बसपा से उतारा गया है, कांग्रेस अपने गठबंधन के चलते कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी नहीं उतारा है, वही सपा से उत्कर्ष वर्मा मधुर जो कि पूर्व में विधानसभा सदर के विधायक रह चुके हैं, इनको मौका दिया गया है। अब ये तो भविष्य की गर्त में ही छुपा हुआ है कि क्या होना है, भाजपा का कमल तीसरी बार खिलेगा या सपा की साइकिल दौड़ेगी या फिर मस्त चाल से हाथी स्पीड में आगे जाएगा। पवन सक्सेना, दैनिक भास्कर, लखीमपुर खीरी।